हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और सेशन में जिसमें कि हम बोर्ड क्लासेस के लिए इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में आने वाले क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पिछले कुछ दिनों से डिटरमिनर सेक्शन को पढ़ रहे थे जिसमें हमने सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल सबको पढ़ा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं हरदा डिग्री कॉलेज, जो कि आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कमिटेड है। तो आज के सेशन में हम सम, एनी और मच, मैनी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमको ये पता लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमको आ भी रही हैं या नहीं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में इस तरफ जो मैंने लेके रखे हैं, यहाँ पर अपने को मच और मैनी से जो है ऑप्शंस को फिल करना है। रूल हम जानते हैं कि यदि अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम मच का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब होता है ज़्यादा, जो कि मात्रा को दिखाता है। वहीं हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, यानी कि बहुत के सेंस में, कई सारे के सेंस में, तो मैनी का प्रयोग करेंगे। देखना सिर्फ इतना है कि फिलर के बाद वाली नाउन अगर काउंटेबल है तो और प्लूरल है तो वहाँ मैनी लगाना है, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको मच लगा देना है, जो कि मात्रा को दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ब्लैंक आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। अब बताइए, कई लोगों को बुलाया गया था लेकिन कुछ ही लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो यहाँ लोगों की बात हो रही है जो कि काउंटेबल है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, मैनी। मैनी आर कॉल्ड, कई लोगों को बुलाया गया है, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन सेलेक्शन कुछ ही लोगों का हुआ है। यहाँ अगर मैं मच लगाता तो फिर मच के साथ आर कैसे लगाता, मच तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देयर वॉज ब्लैंक मनी इन हिज बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर फिलर के बाद देखिए क्या लिखा है, मनी। दोस्तों याद रखिएगा, मनी होती है अनकाउंटेबल। मनी क्या होती है, अनकाउंटेबल, वहीं जो रुपीज़ है वो काउंटेबल होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, मच, तो यहाँ आ जाएगा आपका मच। ठीक है, मच इज़ यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम चलते हैं तो लिखा हुआ है आई हैव टोल्ड यू ब्लैंक टाइम्स, मतलब कई बार तुझे बता दिया है। तो टाइम्स यानी क्या होता है, बार, मतलब आप उस बारी को बता रहे हैं, एक बार, दो बार, तो आप काउंट कर पाओगे ना। और हम जानते हैं कि जिस चीज़ को हम काउंट कर लेते हैं वहाँ पर अपने को क्या लगा देना होता है, मैनी, तो यहाँ आ जाएगा आपका मैनी। ठीक है, मतलब फिलर के ठीक बाद वाली नाउन को आपको पकड़ के चलना। यहाँ देखो काउंटेबल थी और प्लूरल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डज नॉट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स इन टाउन। ठीक है ना, उसके दो जो है शहर में दोस्त ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए खालिस्तान, फिलर के बाद नाउन जो है वो क्या है, फ्रेंड्स, और जो कि क्या है, प्लूरल, आप जानते हैं, और फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका, मैनी। क्योंकि अगर मच मैं चाहूँ भी लगाना तो यहाँ नहीं लगा सकता दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मच के बाद जो नाउन आती है वो अनकाउंटेबल होती है। और एक और बात आप जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं पता है तो फिर से ध्यान में रखिए कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होती। ठीक है, वो सिंगुलर ही रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइटर इज ब्लैंक रिवर्ड, उसको रिवर्ड किया गया है, तो उसकी मात्रा को दिखाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, मच। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मच और मैनी सीरीज का। वी हैव गॉट ब्लैंक वर्क अहेड ऑफ अस, और यहां पर वही ऑप्शन है आपके पास, मच और मैनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास, मच और मैनी। दोस्तों आप देखिए ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, वर्क। ठीक है, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम अक्सर वर्क्स बोल दिया करते हैं। तो दोस्तों वर्क्स यानी होता है लिटरेरी, मतलब जो साहित्यिक रचनाएं होती है, लिटरेरी थिंग्स, या फैक्ट्री को इंग्लिश में जो है वर्क्स बोला जाता है। तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको, मच, क्योंकि ज़्यादा काम, क्या बोल रहा है, वी हैव गॉट मच वर्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने बहुत ज़्यादा काम है। काम गिनते नहीं हो, एक काम, दो काम, वो अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा। वर्क यानी काम, और वर्क्स यानी फैक्ट्री या लिटरेरी थिंग्स। ठीक है ना, लिटरेरी वर्क्स भी बोल सकता हूँ, साहित्यिक रचनाएं, जैसे कि शेक्सपियर की द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, इसका मतलब क्या हुआ कि शेक्सपियर की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो, द वर्क्स ऑफ कालिदास, सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में देखिए, यहाँ पर हमको सम और एनी के ऑप्शन लगाने हैं। आप जानते हैं सम यानी होता है थोड़ा या कुछ, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं, साथ में रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या उसमें हार्डली, बेयरली या स्कार्सली का प्रयोग हुआ है तो हमको एनी लगाना होता है। सम यानी होता है थोड़ा, और एनी यानी होता है कोई या कोई भी। तो देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर ब्लैंक सॉक्स, क्या लिखा है फिलर के ठीक बाद, सॉक्स यानी होता है मोजे।
ऑन द टेबल, कि टेबल पर कोई मोजे थे कि कुछ मोजे थे। एक बात याद रखिए कि ये सम, एस ओ एम ई सम यानी होता है थोड़ा या कुछ, वहीं एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी, ठीक है ना। इसके लिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले की वीडियो जाके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर फिलर के बाद क्या लिखा है, सॉक्स, जो कि एक काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे आपका, क्या जाएगा यहाँ पर आपका, सम, देयर आर सम सॉक्स ऑन द टेबल, कुछ मोजे पड़े हैं, एनी नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि एनी के लिए क्या होगा, या तो क्वेश्चन मार्क लगा हो या सेंटेंस में नॉट लगा हो। अब यहाँ लिखा डू यू हैव ब्लैंक वर्क इन टू डू, कुछ काम है करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और डू जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और वो आगे है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में क्या लगा देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आंसर आएगा आपका एनी। जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हो या नॉट लगा हो दोस्तों, आपको एनी लगा देना है। वहीं आगे चलते हैं, क्या लिखा, यू कांट बाय ब्लैंक पोस्टर्स इन दिस शॉप, और ऑप्शन वही है आपके पास यहाँ पर भी, सम एंड एनी, यू डोंट, यू हैव बोथ ऑप्शंस लाइक सम एंड एनी एंड चूज वन ऑफ देम। अब यहाँ देखिए फिलर के बाद क्या लिखा है, पोस्टर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पर आपका, यू कांट बाय, आप सेंटेंस में क्या आ गया है, कांट यानी कि नॉट लगाए, और हम जैसा कि नियम मैंने आपको बताया है कई बार दोस्तों कि नॉट लगा है तो आपको एनी लगा देना है, तो यहाँ पर आप एनी लगा दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, प्रिया हैज बॉट ब्लैंक न्यू पेंस, और ऑप्शन वही है यहाँ पर आपके पास, सम एंड एनी, क्या लिखा है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं कि अफर्मेटिव में क्या आता है, सम, मैंने लिखा प्रिया ने कुछ नए पेन खरीदे हैं, अगर प्रिया हैज नॉट बॉट कर देता तो फिर वहां पर एनी हो जाता, या हैज प्रिया बॉय ब्लैंक न्यू पेन तो भी वहां पर एनी आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है शी ऑलवेज टेक्स ब्लैंक शुगर विथ हर टी, और ऑप्शन है सम और एनी, आप बताइए कि क्या आना चाहिए यहाँ पर आपके लिए, आप जानते हैं कि बेहतर इसमें क्या आना चाहिए, क्या लिखा है आपका, ब्लैंक शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है उसे लेना देना है नहीं, सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सम, क्या लिखा है कि वो अपनी कॉफ़ी में थोड़ी सी शक्कर, मतलब ज़्यादा शक्कर नहीं लेती है, या चाय की बात कर रहे हैं, चाय लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूजा डज नॉट, नॉट आ गया तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते हैं कि जब सेंटेंस में जो है डज नॉट, डू नॉट या किसी प्रकार से भी नॉट आएगा तो आपको क्या लगा देना है, वहाँ पर ब्लैंक लगा देना है, एनी लगा देना है, क्या लगा देना है, ब्लैंक में एनी लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा सम और एनी की कुछ एक्सरसाइज और मच और मैनी की एक्सरसाइज, याद रखिए मच का मतलब होता है ज़्यादा, जो कि मात्रा को दिखाता है, और इसके बाद आने वाली नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है, यानी कि फिलर के ठीक बाद वाली नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो आप आंख बंद करके मच लगा सकते हैं। वहीं मैनी का मतलब होता है कई या बहुत सारे, ये संख्या को दिखाता है, इसके बाद आने वाली नाउन हमेशा काउंटेबल होती है और प्लूरल होती है, यानी कि फिलर के ठीक बाद वाली नाउन अगर काउंटेबल है प्लूरल है तो आपको मैनी लगा देना है। वहीं सम और एनी की बात करूं तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें सम लगाएंगे, जिसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। वहीं सेंटेंस में अगर कोई रिक्वेस्ट हो, ऐसी रिक्वेस्ट जिसका आंसर आपको हाँ में आने की उम्मीद हो, तो भी आप सम का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने कहा वुड यू गिव मी सम मनी, वुड यू गिव मी सम मनी, भले ही यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है पर या वुड लगा है जो कि रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जिसमें हाँ आने की उम्मीद हो आंसर में, वहाँ भी आप जो है सम का प्रयोग करेंगे। वहीं एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी, यदि वाक्य में नॉट लगा हो या क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हमेशा आप एनी लगाएंगे, जैसे कि डू यू हैव एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो डू लगाता इसलिए एनी लगाया। वहीं अगर सामने वाला आंसर करेगा कि नहीं है तो आई डोंट हैव एनी पेन, ना कि सम पेन, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, डोंट बोला है मैंने, ठीक है। वहीं अगर सेंटेंस में हार्डली बेयरली और स्केयरसेली का भी प्रयोग होता है दोस्तों, तो आप एनी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई हार्डली हैड एनी मनी दैट टाइम, उस समय मुश्किल से मेरे पास कोई पैसा था। तो ये थी आज की श्रृंखला का एक, ये था आज की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज किए, कुछ क्वेश्चंस किए फिल इन द ब्लैंक्स के, सम एनी और मच और मैनी की। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे साथ हरदर डिग्री कॉलेज के साथ जुड़ी रहिए इस प्रकार के और वीडियोज़ के लिए। और एक बात और, कोरोना बहुत व्यापक स्तर पर फैल रहा है, तो आप सभी सुरक्षा के जो सारे मानक हैं उनको जरूर फॉलो करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। जय हिंद।